हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से रेवोल्यूशन जो था उसने एवरीडे लाइफ पे लोगों की एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। अभी अब देखिए, हम चैप्टर का एक मेजर पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हमने सारे टॉपिक्स लगभग पढ़ लिए हैं। लास्ट टॉपिक होने वाला है, लास्ट टॉपिक जो कंक्लूजन की तरह आपकी बुक में दिया गया है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, फ्रांस के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें समझेंगे हम। स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा लास्ट वीडियो में। तो जो हमारी इनस्टेबिलिटी देखी थी हमने, जहां तक कहानी चलाते आए थे हम, हमने देखा था डायरेक्टरी रूल कर रही थी, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी जो थी, और जो डायरेक्टरी होती थी पांच मेंबर की जो बॉडी होती थी, उनके बीच में एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर के बीच में जब बन नहीं रही थी तो एक पावर का वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई कौन करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने जब उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, तो जब इनस्टेबिलिटी थी फ्रांस में, कोई नहीं था पावर में, उस समय में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया वहां पे। ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एन एम्परर इन 1804। तो 1804 में उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर लिया। अब जब वो राजा बनते हैं 1804 में, उसके बाद से वो कुछ चेंजेस लाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही कंकर्ड मेनी यूरोपियन कंट्रीज, मेनी यूरोपियन नेबरिंग कंट्रीज वुड बी द राइट टर्म, ठीक है। मतलब क्या है कि जो आजू बाजू की कंट्रीज थी फ्रांस की, उन्होंने जीतना चालू किया, पोलैंड जीत लिया, बेल्जियम जीत लिया, तो सारी कंट्रीज को वो जीतते चले गए। अब जब सारी कंट्रीज को वो जीत रहे थे तो उस बीच में क्या हुआ, उस बीच में वो वहां की जो नेटिव डायनेस्टीज थी, वहां के जो रूलर्स थे, उन्हें हराते थे, उन्हें पछाड़ देते थे और अपने किसी एक रिश्तेदार को, अपने जान पहचान वाले इंसान को वहां का रूलर बना देते। इस तरह से उन्होंने अपना एम्पायर पूरा एक्सपैंड कर लिया। अब जब वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे थे, उस बीच में क्या है, उस बीच में उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स लाए, कुछ चेंजेस लाए, और इन्हीं चेंजेस के कारण उन्हें क्या कंसीडर किया जाने लगा, ही वॉज कंसीडर्ड एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यूरोप का मॉडर्नाइजर माने जाने लगा उन्हें, ठीक है। उन्हें ऐसा माने जाने लगा कि वो क्या है, यूरोप को मॉडर्नाइज कर देंगे, वो एक तरह से क्या है, एक मॉडर्न मैन है, ये कंसीडर किया जाने लगा उन्हें। अब जब उन्हें मॉडर्न मैन की तरह कंसीडर किया जाने लगा फ्रेंच सोसाइटी में, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, आप यूं ही किसी को भी मॉडर्नाइजर नहीं बना सकते हो ना, तो हाँ कारण थे। कारण क्या थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए। क्या रिफॉर्म्स लाए, तो जैसे ही इंट्रोड्यूस लॉज सच एस, कुछ कुछ लॉज लाए। सबसे पहला था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैंने आपको याद हो तो इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस करा था। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे ट्रेड वगैरह फ्लरिश हो। तो ही वॉज अ पर्सन विद कैपिटलिस्ट माइंडसेट, मतलब वो कहीं ना कहीं इस तरीके की सोच रखते थे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, इकोनॉमी फ्लरिश हो, और उसके चलते क्या है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक तरह से प्रोटेक्शन देना चाहते थे कि लोगों की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिले, ताकि लोग ज्यादा ट्रेड करें, इकोनॉमी बड़ी हो, पैसा जनरेट हो कंट्री में, ठीक है। तो उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया, जिसके चलते जो अमीर लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश थे नेपोलियन से, सपोर्ट देते थे नेपोलियन को, पैसा देते थे उसकी आर्मी को बड़ा करवाने के लिए। अगली चीज अगर देखी जाए तो अगला लॉ जो इंट्रोड्यूस करा उन्होंने वो था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अब क्या था, ही इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। पहले के समय में ऐसा होता था, जैसे आज आप वाट देखते हो, वाट आता है ना, जैसे 1 kg का आता है लोहे का, ठीक है, 2 kg का आता है, 5 kg का आता है, आजकल वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स होते हैं, लेकिन उस तरह के वाट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप जो वाट देखते हो आप, तो उसमें क्या रहता है, उसमें यह रहता है कि यूनिफॉर्म है, 1 kg का सभी जगह एक जैसा वाट रहने वाला है। आप उसको, वो जो वेट रहेगा उस वेट को आप हर जगह यूज कर सकते हो, 1 kg के वेट को, वो हर जगह आपको एक जैसा मिलेगा। लेकिन अब क्या होता था कि पहले के समय में यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होता था। आप भी अगर जैसे आज एकदम क्रूड रूरल एरियाज में जाओगे तो आपको पत्थर मिलेंगे वहां पे, तो वो उस पत्थर से क्या करते हैं, उस पत्थर से आपको वेट करके दे देंगे कि ये पत्थर जो है 1 kg का है, आधा केजी का है, आया समझ में। अब वो एग्जैक्ट रहता नहीं है, वो तो क्या है कि उनके हिसाब से उन्होंने बना लिया है। अब मान लीजिए मैं, आप बोलते हैं कि 1 kg आपको गेहूं चाहिए, अब आप 1 kg गेहूं लेने आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये मार्कर जो है ये 1 kg का तोल के दे दूंगा आपको, कहीं और गए, कहीं और मेरे से भी ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन मिल गया आपको, तो वो क्या करेगा, बोलते ढक्कन 1 kg का है और आपको 1 kg वीट वेट करके दे देगा। तो इसके चलते क्या, कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होते थे, तो उन्होंने बोला कि ये एक्सप्लॉइटेशन को खत्म किया जाए। क्या सोल्यूशन था, कि हर जगह यूनिफॉर्म सिस्टम हो, यूनिफॉर्म मतलब आपकी स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, मतलब एक जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस करा उन्होंने कि एक जैसा सिस्टम होना चाहिए वेट और मेजरमेंट का, तो एक प्रिंसिपल ये हो गया। अगली चीज, डेसिमल सिस्टम लाया इन्होंने। डेसिमल सिस्टम क्या होते हैं, डेसिमल सिस्टम का भी एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये मार्कर 10 रुपए 50 पैसे का होता है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, डेसिमल सिस्टम नहीं है तो उसको 10 रुपए में ही बेचते आ रहे हैं हम,
तो अब क्या होगा कि 10 मार्कर पे हम 5 रुपए खो देंगे, 50 पैसे लगा के। तो 10 मार्कर बेचे हमने तो वो कितने के होना चाहिए थे, वो 10 मार्कर होना चाहिए थे एक तरीके से 105 रुपए के। लेकिन अब हमने क्या करें, क्योंकि हमने 10 मार्कर पे 50 पैसे छोड़ते चले गए तो हमारे 5 रुपए चले गए। आया समझ में? तो वैसे डेसिमल सिस्टम ना होने के कारण बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, कभी कंज्यूमर्स का तो कभी प्रोड्यूसर्स का। तो उन्होंने बोला टू बी मोर प्रिसाइज, बहुत एग्जैक्ट होने के लिए, जैसे आप अगर चेन स्टोर्स में जाते हैं, रिलायंस फ्रेश वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे क्या देखते हो आप कि वो जो पॉइंट्स में भी पैसे रहते सारे जोड़ के देते ताकि उनको 1-2-4 रुपए का भी लॉस ना हो। ठीक है, तो उस तरह से डेसिमल सिस्टम को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब इन सारे प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करने के कारण ही ही वाज कंसीडर्ड एज दी मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। इसी कारण से उन्हें मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया। आई होप इट इज क्लियर। अब क्या होता है, जब इतने अच्छे इंसान थे तो फिर वो हारे क्यों, ये सारी चीजें क्यों हुई उनके साथ? तो शुरुआत में जिन लोगों ने कंसिडर किया यूरोपियन कंट्रीज ने कि हाँ ये तो बहुत अच्छे मॉडर्नाइजर हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये समझ में आने लगा क्या कि ये मॉडर्नाइज तो कर रहे हैं लेकिन हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी तो चले जाते जा रही है ना, मतलब वो अटैक करते हैं, इन्वेडिंग फोर्सेस की तरह आते हैं, हमारी कंट्री में घुसते हैं, हमारी कंट्री को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर प्रिंसिपल्स ले आते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम तो गुलाम ही हो रहे हैं उनके। तो फिर लोगों ने क्या करा, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे क्या होने लगी, उनके अगेंस्ट में फोर्सेस खड़ी होने लगी। अब जब उनके अगेंस्ट में फोर्सेस खड़े होने लगी, 10th क्लास में आप पूरा और पढ़ोगे कि किस तरह से कंजर्वेटिव्स कौन थे, कैसे उन्हें अपोज किया गया। ठीक है, तो 10th क्लास में सारी चीजें पढ़ना है फिर से, तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि 10th क्लास में काम आएगा आपको। अभी क्या है, तो अब जब जैसे एक बैटल ऑफ वॉटरलू होती है 1815 में, 1804 से 1815, 11 सालों तक इन्होंने एकदम कह सकते हैं कि पूरे यूरोप की नाक में दम करके रखा था। 1815 से क्या होता है, 1815 में बैटल ऑफ वॉटरलू होती है जिसमें वो हार जाते हैं। ही वॉज डिफीटेड बट हिज आइडियाज हैड अ डीप इम्प्रिंट्स ऑन दी सोसाइटी। ठीक है, वो हार जरूर गए लेकिन उनके द्वारा जो चेंजेस लाए गए थे, जो प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे सोसाइटी में, उन प्रिंसिपल्स का सोसाइटी के ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव रहा है। उसे अडॉप्ट किया लोगों ने, उस चीज को वेलकम किया कि हाँ नेपोलियन चाहे हमें गुलाम बनाए लेकिन उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें क्या, गुलामी से ऊपर उठा देंगे। ठीक है, तो ये पूरी नेपोलियन की कहानी थी। आई होप आपको समझ में आया नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, क्या क्या उन्होंने, किस कारण से मॉडर्नाइजर जाने जाते थे, ये सारी चीजें। अब क्या है कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये जो दो आइडियाज है, कौन कौन से, आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, दीज आर दी लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब कहते हैं ना कि लेगेसी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक तरीके से देन है हमारे लिए कि लिबर्टी की, आजादी की बात आई है और डेमोक्रेटिक राइट्स की। ये चीजें कहां से निकल के आई है, ये चीजें निकल के आई है फ्रेंच रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन से। और ये जो आइडियाज हैं, इन आइडियाज का इंडिया में भी एक गहरा सिग्निफिकेंस है। दो इंडियन लीडर्स के नाम दिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में कहीं दो इंडियंस आते हैं और लोग आखिरी में आते हैं, इस कारण से बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं रहता है, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो थे, तो इन लोगों ने दे रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उन्हें बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्ड दिया है टीपू सुल्तान ने और राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ थ्योरी पार्ट पे हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं। आपको किसी प्रकार के कोई भी डाउट अगर आते हैं तो फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं उस चीज को रिस्पॉन्ड करूं। ठीक है, और इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप एक फ्री साइनअप कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको class 4th से class 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। अब एक और वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। मतलब आप तो आंसर दे नहीं पाएंगे लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे एक तरीके से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।